भाइयों और बहनों, विकास के अलग अलग पैमाने होते हैं, आयाम होते हैं। विकास चाहे संसाधनों का हो, सुरक्षा का हो, या फिर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का। देश को मजबूत करने में हमारी सरकार निरंतर जुटी हुई है। गुरदासपुर तो बाबा नानक की धरती है। अगले वर्ष गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती आने वाली है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि गुरु नानक देव जी ने जो संदेश दिया, कीरत करो, नाम जपो, वंड शको, इसको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। इसी भावना के तहत देश की सभी राज्यों के अलावा दुनिया भर में समारोह का आयोजन किया जाएगा। साथियों, हम सिर्फ गुरु के गौरव की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके जुड़े तीर्थ स्थलों तक हर आस्था स्थान बेरोक टोक जा सके, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, 7 दशक पहले भारत विभाजन के समय हमें उस पवित्र स्थान से दूर कर दिया गया था, जिस पर हमारा हक था। सिर्फ 3-4 किलोमीटर की बात थी, लेकिन उस समय की सरकार थी वो आस्था के इतने पवित्र तीर्थ को भारत के साथ नहीं रख पाए। 7 दशक से अपने गुरु की तपोस्थली को देश दूरबीन से देखने के लिए मजबूर है। देश की भावना को देखते हुए, करोड़ों सिख भाई बहनों की मांग को देखते हुए एनडीए की सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया। ये कॉरिडोर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक साहिब को करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब जोड़ने का काम करेगा। इसके तहत यहां डेरा बाबा नानक शिव से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक सारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। साथियों, इस महान तीर्थ के महत्व को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने अपने 2 मंत्रियों को भी सीमा पार भेजा था। हरसिमरत जी के नेतृत्व में हमारा डेलीगेशन गया था, लेकिन पूरा देश गवाह है कि कैसे अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान को मौका दे दिया। हैरानी की तो ये है बात कि कांग्रेस के नेताओं ने यहां के मुख्यमंत्री खुद अपने नेता की भी राय अनसुनी कर दी।